नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए हम नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा की कुछ प्रमुख खबरों पर। छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित गोलगंज में कई सालों से फैले अतिक्रमण को हटाने के बाद निगम अमला पुलिस प्रशासन के साथ पोस्ट ऑफिस के सामने फैले अतिक्रमण को हटाने शुक्रवार को पहुंचा। इस दौरान पोस्ट ऑफिस के सामने रोड पर लगी दुकानों को हटाया गया, लेकिन जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी और बड़ी दुकानों की बारी आई तो निगम अमले ने अतिक्रमण की कार्रवाई बंद कर दी, जिसको लेकर फुटपाथ के व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई। फुटपाथ व्यवसायी का कहना है कि अतिक्रमण की कार्रवाई बड़ी दुकानों के सामने हुए अतिक्रमण पर भी होनी चाहिए। इतना ज्यादा रोड जाम है, वहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम सब व्यापारी है, प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, भाई हम व्यापारियों के साथ ऐसा क्यों? और नगर पालिका द्वारा ही दुकानें यहाँ पे दी जा रही हैं बगैर कागजों के और आगे बढ़ाई जा रही हैं, और जहाँ लोगों को दुकानें तोड़नी चाहिए, जहाँ अतिक्रमण ज्यादा है वहाँ पे नहीं तोड़ा जा रहा है। जो लोगों की दुकानें अंदर है, सीधे तौर पे बताइए कहाँ अतिक्रमण हुआ और कहाँ आपको हम व्यापारी लोग ये पूछना चाह रहे हैं, भाई आपको ये इतवारी क्यों दिखती है? आगे भाई आगे इतना सारा जमावड़ा है, आप चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखा दें कितनी रोड सक्रिय है। जहाँ पे नालियों के पार बनी हुई दुकानें उनको भी तोड़ रहे हो, जहाँ नगर पालिका की नाली बनी है उसके पीछे हमारी दुकान है, उसके बाद भी आप तोड़ रहे हो। अच्छा, ये जो ऊपर के शेड निकाल रहे हैं उसमें आप लोगों का क्या कहना है? सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप तीन शेड निकाली, लेकिन आपने मेरी दुकान का सज्जा निकाला। सरकार अब पोषण स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल बच्चों को पोषण पर्याप्त मिले और इसके जरिए उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए पोषण स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी विभाग कर रहा है। शुक्रवार को इस विषय में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अर्चना चिटनीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के आला अफसरों और जिले के अधिकारियों से विशेष चर्चा की। बच्चों को पोषण पर्याप्त मिले और इसके जरिए उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए अब पोषण स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी विभाग कर रहा है। बस स्टॉपेज और ऑटो स्टैंड चिन्हित किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार शहर में 4 बस स्टॉपेज और 8 ऑटो स्टैंड होंगे। एक बस स्टॉपेज बनकर तैयार हो चुका है, जबकि अन्य बस स्टॉपेज निगम द्वारा तैयार किया जाना बाकी है, जिसके चलते पुलिस द्वारा बनाई गई व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है। वर्तमान में शहर में जगह जगह बसें खड़ी हो रही हैं। स्टॉपेज तैयार होने के बाद निर्धारित स्थान पर बसें रुकेंगी और ऑटो खड़े रहेंगे। होली पर्व को लेकर आमजन से लेकर व्यापारी वर्ग और ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों तक में उत्साह दिख रहा है। आमजन जहां त्योहार को लेकर तैयारी कर रहा है, वहीं बाजार में व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर रंगों के साथ आकर्षक पिचकारियां सजा ली हैं। ऑनलाइन खरीदी पर भी विशेष छूट दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।